स्मार्ट मीटर लगाने के बाद एक और बड़ा तोहफा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सरकार लेकर के आ रही है वो है वाटर स्मार्ट मीटर। यानी कि जो पानी का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए भी अब स्मार्ट वाटर मीटर्स जो हैं वो लगाए जाएंगे। इसके लिए इंतजामिया का बड़ा फैसला ले लिया गया है। महकमा जल शक्ति जो है उसने पूरी तरह से तैयारियां कर ली हैं। और इस हवाले से आपको बता दें, जिस तरह से पहले स्मार्ट मीटर जब लाए गए थे लोगों ने कहा था कि हम ये नहीं लगाने देंगे, लेकिन सरकार ने कहा था कि ये लग के रहेंगे, हम लगा के रहेंगे, जो भी कोई बीच में आएगा हम उसे फिर देख लेंगे, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन लंबे वक्त तक लोगों ने बड़े एहतजाज किए, धरने दिए, सड़कें बंद की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बाद में देखा गया, स्मार्ट मीटर लग के रहे और आज लोग वो किराया भी दे रहे हैं। और ऐसे में अब एक और बड़ा फैसला कि आप जो पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके घरों तक जो पानी आ रहा है उसका भी आप स्मार्ट मीटर के जरिए आपको बिल देना पड़ेगा। उसकी जो भी फीस रहेगी वो आपको अदा करनी पड़ेगी। इससे पहले आपके घर में कितना पानी आता था, क्या आता था, वो आप बखूबी जानते हैं। लेकिन अब चूंकि महकमा जल शक्ति ने पूरी तैयारियां कर ली हैं, इंतजामिया की जानिब से उनको हिदायत दी गई है और इस हवाले से जो वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसको भी ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, वही इसका टैक्स जो है वो मुकर्रर करेगी। यानी कि इसकी फीस कितनी रहेगी, आपको कितना पैसा साल का देना पड़ेगा, 6 महीने का देना पड़ेगा, वो कहीं ना कहीं यही बॉडी जो है वो मुकरर करेगी, वो आपको फिर देना पड़ेगा। ये इसलिए इन्होंने लाया है क्योंकि अब ये देखा जा रहा है कि जम्मू के अंदर भी स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, श्रीनगर शहर के अंदर भी स्मार्ट सिटी जो है वो बन रही है और उसी के पेश नज़र ये देखा गया कि अगर स्मार्ट सिटी बन रही है जहाँ सरकार इतना ज़्यादा पैसा लगा रही है, वहाँ कहीं ना कहीं अब स्मार्ट मीटर के ज़रिए आपको बिजली और पानी भी जो है वो फराहम किया जाएगा। ये वक्त की ज़रूरत है, ऐसा सरकार का कहना है। लेकिन ऐसे में देखा यह भी गया है कि अगर यह फैसला लिया गया है, क्या लोग इसके हवाले से भी सड़कों पर आएंगे, क्या इसके लिए भी एहतजाजी मुजाहरे होंगे, क्या लोग, जिस तरह से अगर हम देखें जम्मू कश्मीर में बिजली भी बनती है और पानी की जखायर की अगर हम बात करें तो इस सब की सब चीजें जो है वो जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा है, लेकिन फिर भी यहां के लोगों को इसका बाहरी टैक्स क्यों देना पड़ता है, फिर यहां के लोगों को इतने ज्यादा रकम क्यों अदा करनी पड़ती है अगर बिजली जम्मू कश्मीर में बनती है, अगर पानी का यहाँ पर इतने ज़्यादा दरिया जो है वो यहाँ से बाहरी रियासतों में पानी जाता है, तो कहीं ना कहीं ये देखने वाली बातें हैं। लेकिन यहाँ पर अब देखा ये जा रहा है कि महकमा जल शक्ति जो है वो बराबर हरकत में नज़र आ रहा है, इस हवाले से पूरी तैयारियाँ जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं और ये बताया जा रहा है कि इस साल के आखिर तक ये सारे के सारे स्मार्ट वाटर मीटर्स जो हैं वो लगा दिए जाएंगे और इसकी शुरुआत जो है वो फेज़ वाइज है, अलग अलग फेजेस में होगी और इसकी शुरुआत जो है वो पहले श्रीनगर से होगी। यानी पहले श्रीनगर में और वहाँ पर जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जैसे होटल है, बंकेट हॉल है या फिर बड़े बड़े और भी जो इदारे हैं वहाँ पर इसकी शुरुआत की जाएगी और उसके बाद कैटेगरी के हिसाब से ये देखा जाएगा कि कहाँ कहाँ पर पानी का इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है और लोग उसकी फीस जो है वो कम दे रहे हैं, ऐसे में फिर वो सब चीज़ों को देखा जाएगा और ये स्मार्ट वाटर मीटर्स जो है वो नसब किए जाएंगे, यानी कि वो लगा दिए जाएंगे। अब इसके लिए कितना फीस जो है वो मुकरर की जाएगी, वो कितना टैक्स आपको देना पड़ेगा, वो वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो उसके हाथ में रहेगा, वो क्या इसके लिए मुकरर करती है वो उस पर रहेगा। लेकिन शुरुआत इसकी जो है वो कश्मीर से होगी और उसके बाद फिर जम्मू के अंदर भी ये आपको स्मार्ट वाटर मीटर्स देखने को मिलेंगे। अब इस हवाले से नई क्या कुछ तफसीलात रहेंगी, कब से इसकी शुरुआत जो है वो होने वाली है, लेकिन जिस तरह से इंतजामिया ने ये बड़ा फैसला ले लिया, इस हवाले से मीटिंग भी हुई है और शायद बहुत जल्द इसका आगाज़ भी किया जाएगा ज़मीनी सतह के ऊपर, और कब तक शुरू किए जाएंगे, लोगों का इसके ऊपर क्या कुछ रवैया रहेगा, और जितने आप सभी लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, आप इस खबर को देख रहे हैं, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने राय दीजिएगा। और जब ये मीटर्स लगना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद लोगों का क्या कुछ रद्द अमल रहेगा वो भी हम आप तक पहुँचाएँगे। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।